नमस्कार दोस्तों, और आप मेरे सभी दोस्तों का नमस्ते, और मेरे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी सुबह का बज रहा है, 8 बजने वाला है दोस्तों, और अभी देख सकते हैं ये सूरज हमारे यहां पे अभी दिख रहा है सामने में। और अभी हम एक किला पे आए हैं जो कि अभी आपको दिखाने वाले हैं, उसके बाद उसका हिस्ट्री बताने वाले हैं। जो कि किला आप देख सकते हो उस साइड में किला है दोस्तों, उधर किला है, और चलते हैं अभी किला के पास। अभी हम किला के पास ही हैं, चलते हैं किला के अंदर, देखते हैं क्या है, सुनते हैं। यहाँ पे भूत बहुत है, सुनने वाला है, यहाँ पे बहुत हॉन्टेड जगह है, भूत भूत यहाँ रात में दिखाई देता है। तो देखते हैं, हम लोग दिन में अभी आके निरीक्षण करते हैं, तो चलते हैं दोस्तों। हमारे साथ इधर आ जा छोटो, ये हमारा छोटो भाई है जो कि ये गांव का ही निवासी है, देख सकते हैं। और अभी इसी के साथ यही लेके आया है हमको, और हमारे गोलू भाई भी है इधर, और उधर देख सकते हैं सौरभ भाई, और एक छोटू भाई है, अक्षय भाई भी है उधर, हमारे मित्र जो भी बोल सकते हैं छोटो भाई है, और हमारे इधर से जिनका अभी गांव में है हमारे, देख सकते हैं इधर है नितेश बाबू, ये देख सकते हैं, ये मेन गेट है, यहीं से किला का मेन गेट है ये पूरा। और किधर गया छोटो, ये हमारे छोटो दिखा रहा है मेन गेट है पूरा, पैर मत लेना ठीक है, ये पूरा देख सकते, ये मेन गेट है पूरा, देख सकते ये बरांडा टाइप से, ये पूरा ये बरांडा है देख सकते हैं यहाँ पे, और ये पूरा बरांडा इधर इधर, ये दरवाजा देख सकते हैं अभी भी मजबूती है भाई, करीबन 200 साल हो गया है लेकिन मजबूती देख सकते हैं, कुछ नहीं हुआ है यहाँ तक, दिया तक भी नहीं लगा है जो भी बोल सकते हो। और आप अंदर आइए, अंदर देखिए, और कुछ इस तरह से यहाँ पे भी घुसते हुए भी बरांडा है देख सकते हैं, इधर भी और इधर भी, और ये आप मजबूती देख सकते हैं, प्लस्तर इनका जो क्वालिटी है, छत का भी देख सकते हैं अभी तक कितना मजबूती पकड़ा हुआ है, और ये दीवार देख सकते हैं दोस्तों कितना मजबूती है, आप समझ सकते हैं पहले का क्या टेक्नोलॉजी था। और कुछ इस तरह से अभी जा रहे हैं हम लोग अंदर की ओर, और राजा का देख सकते हैं ये बाउंड्री एक तरह से था, और ये किला देख सकते हैं, इसी के अंदर में राजा रहते थे, राजा रानी। और ये यहाँ पे अंदर अभी जा रहे हैं हम लोग से, आसमान ले लो घुमा दो एक बार, लेकिन आ रहा है वीडियो तक, और राजा गोपाल शरण सिंह इसी महल में रहते थे, वही राजा थे हमारे, जो कि अभी अंदर चलते हैं हम लोग दोस्तों अंदर की ओर। तो अंदर तुम कभी आया था यहाँ पे, आया था कभी, आया था, तो डर नहीं लगता यहाँ पे। और कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं महल के अंदर, ये गेट में अंदर गेट, तो हमको लगता है चोरी हो चुका है यहाँ पे, हमको जहां तक लग रहा है, अभी देख सकते हैं ये निशान है, ज्यादा दिन पहले चोरी नहीं हुआ है इससे पता चलता है। और ये अंदर आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से था आपका हॉल, या कुछ भी बोल सकते हैं, ये हॉल ही था एक तरह से, आप देख सकते हैं वेंटिलेशन देख सकते हैं दोस्तों, ये बड़ा सा गेट है, ऊपर से उधर भी खिड़की है, इधर भी खिड़की है, इधर से दरवाजा है, और इधर से भी दरवाजा, वेंटिलेशन को पूरा ख्याल रखते हुए। और हाइट इसका करीबन हमको लगता है 15-20 फीट होगा, 15-20 फीट है, क्योंकि ये वेंटिलेशन पूरा गर्मी का ये, उसके बाद ये दीवार देख सकते हैं दोस्तों कितना चौड़ाई है, करीबन 5-10-15-20-25-30 फीट का दीवार है देख सकते हैं, ये 30 एटा जिसको बोलते हैं, मतलब 5-5 का गिनती में 30 फीट का करीबन, ये 30 इंच का दीवार है देख सकते हैं ये। और ये अंदर इस तरह से आप देख सकते हैं कुछ खंडर टूट रहा है अभी, कुछ इस तरह से देख सकते हैं, और इधर देख सकते हैं कुछ हॉन्टेड प्लेस टाइप से दिख रहा है। तो चलते हैं हम लोग इधर से, थोड़ा सावधानी बरतते हुए, देख रहे हैं टूट रहा है इधर से, बरसात का पानी से टूट रहा है इधर, पुराना हो चुका है, और कुछ इस तरह से आगे बढ़ते हुए हम लोग, और देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं फ्री फायर लिखा हुआ है, बच्चे लोग देख सकते, और यहाँ पे नितेश भी लिखा हुआ है, फ्री फायर नितेश, भाई आप देख सकते हैं नितेश, नॉट नितेश, नितेश है। और
इस साइड से हम लोग आ गए हैं, देख सकते हैं ये हमको लगता है यहाँ पे कुछ होगा, टूट चुका है और कुछ इस तरह से हॉरर प्लेस है, जो कि बोला जाता है कि यहाँ रात में जो थे राजा थे या कोई उनका था, उनका एक कोई यहाँ पे एक हॉरर सा आता है आवाज बहुत ही, यहाँ पे देख सकते हैं ये खंडर, इधर यहाँ से पूरा आवाज आता है और बोला जाता है कि यहाँ पे भूतों का इथी होता, रात में कुछ आवाजें आती है। और देख सकते हैं यहाँ पे अभी हम लोग सुबह सुबह आए हैं सब निरीक्षण करने के लिए। ये दीवार देख सकते हैं इधर, और देख सकते हैं ये पूरा हॉन्टेड का प्लेस। अभी हम लोग आ चुके हैं दिन में, रात में तो किसी का आने का हिम्मत नहीं है बॉस। अब देख सकते हैं इससे पता चल रहा होगा हॉन्टेड कितना प्लेस होगा। उधर हमको उधर भी जा सकते हैं, अभी हम लोग ऊपर ऊपर की ओर जा रहे हैं, उस साइड में ऊपर की ओर, तो चलते उधर इधर से है ऊपर की ओर कुछ कुछ प्लेस है। और कुछ सावधानी से आना भाई लोग, और अभी हम लोग इधर ऊपर की ओर जा रहे हैं, देखते ऊपर में क्या है नहीं है। कुछ इस तरह से सीढ़ी से उतरते हुए यहाँ पे कुछ इस तरह से कमरे बना हुआ है, ये छोटा सा आप देख सकते हैं, दीप रखने के लिए जगह था ये दोनों दीप रखने का जगह है, और कुछ इस तरह से बना हुआ है ये कमरा है, एक कमरा स्टार्टिंग का कमरा है। उसके बाद इधर भी बनते हुए ये सारे कमरे बने हुए, ये बरामदा टाइप से है, इस साइड में भी है, उस साइड में भी है, उधर भी हम आपको लेके चलेंगे उस साइड। और ये देख सकते कुछ दरदरा सा हो चुका है, ये टूटा था, ये पूरा होल टाइप से था, ये कमरा देख सकते पूरा बड़ा था करीबन। और ये एक खासे देखे हमें आपको दिखा रहा हूं, ये पूरा ऐसा जो है ये बाद में लगाया गया है, ये पूरा एक तरह से मिला हुआ था और बाद में इसको ज्वाइंट कर दिया गया अलग से, ये वेंटिलेशन के लिए है और इसका मरम्मत नहीं हो रहा। और ये राजा गोपाल सरन सिंह का महल था, ये एक तरह से ऊपर का व्यू किस इस तरह से है, आप देख सकते हैं ऊपर का व्यू कुछ इस तरह से दिखता है माल का किला का। और अंदर ये सेम है, सेम पैटर्न का रूम है, ये देख सकते हैं ये पूरा रूम। और भाई पहले के जमाने में भी भाई देख सकते हैं रैक बना दिया था, पहले के जमाने में भी रैक दिया जाता था सामान रखने के लिए, जो अभी दिया जाता है अभी के टेक्नोलॉजी में, पहले भी दिया जाता था। और अभी आप इधर भी देख सकते हैं सेम पैटर्न का भी, उधर भी रैक बना हुआ है, रूम है ये देख सकते हैं, ये बड़ा सा रूम है और ये दो दो वेंटिलेशन है, दो दो रैक यहाँ पे, और दिया रखने के लिए भी लाइटिंग के लिए वो रखा गया है यहाँ पे देख सकते हैं लाइटिंग के लिए। और ये देख सकते हैं भाई कितना मस्त बनाया भाई, ये कौन बनाया है भाई, गजब का भाई, भूतनी का चित्र देख सकते हैं, इसके आंख कोड़ दिया गया है यहाँ पे, ये भूतनी का देख सकते कोड़ा हुआ है और ये भूतनी का बनाया गया है, इधर भी एक भूतनी है भाई, ये तो चुड़ैल लग रही है, ये चुड़ैल लग रही है, लग रही है। और बाहर का नजारा देख सकते हैं ये, अब प्रभात कर दो ऊपर भी है, इस साइड चलते हैं अभी दोस्तों। तो उधर मैंने आपको दिखाया था जो साइड देखे थे आप उधर वाले में, उस साइड में इस साइड भी ऐसा ही बना हुआ, आप देख सकते हैं कमरा सेम बना हुआ सेम पैटर्न का, ये हमको लगता है बाद में थोड़ा सा रिपेयर किया गया है या हो सकता है ऐसा ही। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे क्लासेस भी होती थी, ये देख सकते हैं ये बोर्ड है, हमको लगता है कि बाद में यहाँ के जितने निवासी होंगे वो एक क्लास के रूम के तहत में इसको कन्वर्ट कर दिया गया होगा, उस टाइम किया होगा जब ये बढ़िया था उस टाइम, तभी इतना रिपेयर किया हुआ, और अभी तो कोई नहीं क्योंकि ये पूरा जर्जर हो चुका है अभी, सोचिए
और इधर से हम लोग ऊपर अभी जा रहे हैं, ऊपर से आपको व्यू दिखाते हैं किला का, कुछ इस तरह से ऊपर का व्यू है। ये छत का व्यू है, आप देख सकते हैं ये पूरा व्यू, आप दिखा दो पूरा किला को। और उधर दोस्तों आप देख सकते हो वो मंदिर जो दिख रहा है, जूम कर देना था, वो जो उधर मंदिर जो दिख रहा है, वो मंदिर दिख रहा है, वहाँ पे एक तालाब था जो कि राजा और रानी वहाँ जाके स्नान करते होंगे, या किसी का जनता लोग का या किसी का सैनिक लोग का बनाया था वहाँ तालाब। अब मैं तालाब भी दिखाऊंगा मंदिर के पास, तो मंदिर बनाया गया बाद में, पहले वहाँ पे किला का ही पार्ट था वो, तो वहाँ भी चलेंगे। और ये छत है पूरा, देख सकते हैं इधर ग्राउंड था, ये जो दिख रहा है ये किनारे इधर, ये ग्राउंड था राजा का। और देख सकते हैं दोस्तों घोड़ा भी है, मस्त वाइट वाइट कलर का घोड़ा भी है यहाँ पे, देख सकते हैं कितना प्यारा प्यारा तीन चार घोड़े हैं। और अभी गांव का सारे लोग यहाँ पे खेती करते हैं साइड साइड में, पहले तो राजा का ही चलता था इधर, और अभी चलो हो गया, अब बताते हैं। इसी मॉडल में बहुत कोई घर बनाते हैं, और अभी देख सकते हो पहले बनाया गया था, दो सौ तीन सौ साल पहले बनाया गया था, और कितना खूबसूरत। हम बोले थे अभी भी पेंट कर देना तो अच्छे अच्छे घर पेंट कर दें यहाँ पे, मतलब अच्छे से इसको बना दिया जाए फिर से, तो हमको लगता है अच्छे अच्छे घर यहाँ पे फीका पड़ सकता है। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से था। अभी अभी हम यहाँ पे मंदिर के पास पहुँचे, आप देख सकते हैं इस साइड में मंदिर है, और ये साइड में आप देख सकते हैं तालाब है, नीचे की ओर चल रहे अभी हम तालाब पे, नीचे की ओर तालाब, उधर से भी उतरने का था उस साइड से। यहाँ पे नहा के स्नान करने के बाद देख सकते हैं ये पूरा पानी व्यवस्था था, स्नान करने के बाद इधर से मंदिर, ये जो आप दिखाएं ये मंदिर बना हुआ था, यहाँ पे मूर्तियाँ बनाए हुए हैं दोस्तों, देख सकते हो वो जितने भी है वहाँ पे मूर्तियाँ बने हुए हैं, दिखा दो मूर्ति वहाँ पे बना हुआ, मूर्तियाँ बनाए हुए हैं वहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हैं इधर से चढ़ते हुए यहाँ पे मूर्ति, और ये सीढ़ी से चढ़ते हुए ये मूर्ति, जो यहाँ पे मंदिर थे, जो यहाँ पे मूर्तियाँ थी यहाँ पे। भाई मुझे यहाँ से जानने का कोशिश मिल रहा है कि यहाँ पे एक निवासी है हमारे, ये भाई साहब बता रहे हैं कुछ खासियत, बताइए भैया। यहाँ पे एक स्टैचू था, ठीक है, जो रानी थी, तो उधर आपने किला देखा, ठीक है, उधर आपने किला हाँ, देखा किला। तो रानी का यहाँ पे स्टैचू बना हुआ था, ठीक अच्छा, है, थोड़ा सा पुराना था स्टैचू, हाँ। बहुत ही प्रीशियस स्टोन से बना हुआ था वो, ठीक है, उनके आईज में स्टोन लगा हुआ था, एक अलग ही तरह का स्टोन था जो कि बहुत कीमत होता है उसका, ठीक है। तो वो पता नहीं किन्हीं के द्वारा चुरा लिया गया वो दोस्तों। इसका खासियत है किला का, मतलब जो बनाया था राजा आपका गोपाल सरन सिंह जी थे जो ये किला को बनाए थे, और ये किला का जो बनाया था करीबन उनका जन्म था 1883 के करीबन, अभी अभी हमको जानकारी मिला जो लाया था उसके तरह से, और ये बना था उसके बाद। ये किला जो है आपका राजा सरन, उनकी चार बीवियाँ थी, और इसका खासियत ये इस राजा का ये था कि पहले भारतीय थे जो फ्रांस और लंदन में जो मोटर व्हीकल का जो रेस होता है, वो पहले राजा भारतीय थे, जो भाग लेते थे और वो मोटर रेस करवाते थे,